हजारीबाग के पद्मा प्रशिक्षण केंद्र में उत्पाद विभाग की बहाली में गुरुवार को दौड़ के दौरान एक युवक चक्कर खाकर गिर गया था। आनन-फानन में युवक को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों की टीम ने उसको मृत घोषित कर दिया था। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक होने की बात कही गई थी। चूंकि मृत युवक का पहचान उस वक्त नहीं हो पाया था, तो उसे अस्पताल प्रबंधन के द्वारा सेवा मुक्ति धाम के निदेशक नीरज कुमार को शव सौंपा गया था। इसकी खबर अखबार में छपी, जिसके बाद मृतक के परिजन शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंचे और प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम महेश कुमार महतो है, वह बलसागरा मांडू का रहने वाला था। उत्पाद विभाग में सिपाही भर्ती की बहाली के लिए एक पद्मा आया हुआ था। बहाली का समय समाप्त होने के बाद जब वो घर नहीं लौटा तो हम लोग उसका खोजबीन में लग गए। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। पद्मा में दौड़ने के लिए आया था, उसी दरमियान में इस घटना को दौड़ते ही वो गिर गया और गुम हो गया। गुम होने के बाद हमको बहुत देरी के बाद, वो 9 बजे का समय था और हमको 3 बजे के लमसम में हमको पता चला। उनको जो फ्रेंड था, जब वो हमको फ़ोन के माध्यम से बोला, उसके बाद हम लोगों ने सदर अस्पताल में आए और सदर अस्पताल में पूरा सभी बेडों में छलांग लगाए। जितना रजिस्टर मेंटेनेंस करता है सभी को पूछें क्या यहाँ महेश करके नाम आया है या पद्मा से कोई दौड़ने वाला लड़का आया है। बोला कि एक लड़का आया है, हमने उनको देखें, वो उराम लड़का था, चानों का रहने वाला था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरा छलांग लगाया, यहाँ नहीं मिला। उसके बाद फिर पद्मा हम लोगों ने गए और पद्मा में जाकर वहाँ देखे तो कोई नहीं है था वहाँ। 5:30 बज गया था उस समय, जो चला गया। हम लोगों ने पद्मा थाना में गए, उसके बाद वहाँ बड़ा बाबू कोई अति के साथ बात कर रहा था, छोटा बाबू था, छोटा बाबू के साथ हम लोगों ने बोले कि ऐसे ऐसे बात है, हमारा लड़का ने गुम हो गया है, कहीं कौन हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, हमको पता नहीं चल रहा है। उसके बाद हम वो बोला कि अभी पता कर लीजिए, उसके बाद मेरा आवेदन एक दीजिए, उसके बाद हम उसको छानबीन करेंगे। फिर वही बताता है कि नहीं, कोडरमा एक अस्पताल बरही अस्पताल में जाइए और वहाँ देख लीजिए, उसके बाद फिर आकर जो है मुझे बताइए। उसके बाद फिर हम बरही गए, बरही में देखें तो वहाँ भी नहीं था। उसके बाद बरही से लौट कर फिर पद्मा हम लोगों में घुसे। घुसने के दरमियान में एक लड़का ने हम लोगों को पास मोबाइल के थ्रू से वो फोटो भेजा। फोटो भेजने के बाद वो बोलता है क्या क्या रिम्स में भर्ती है। हम लोगों ने तुरंत रांची रिफायर किया, दौड़े वहाँ के लड़का लोगों को, जो हम लोग और लड़का लोग रांची में रहता है उन लोगों के साथ पूरा रांची रिम्स में पूरा छानबीन किए। उसके बाद वहाँ नहीं पता चलने के बाद फिर एक हमारे बगलगिरी गाँव का है, रहने वाला यहीं ड्यूटी करते हैं, उनको माध्यम से हम लोगों को पता चला कि नहीं, से सदर अस्पताल में आपका बेटा है। तो क्या किस अवस्था मिला बेटा आपको? मतलब क्या, तो क्या कुछ सूचना मिली थी आपको, कैसे डेथ हुआ, क्या कुछ हुआ? नहीं हमको